नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपको किसी प्रॉपर्टी को, लैंड अथवा संपत्ति को खरीदने से पहले किन दस्तावेजों को चेक करना चाहिए, और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद आपको क्या कदम उठाने चाहिए, किन दस्तावेजों को अपडेट करना चाहिए जिनके आधार पर आपका मालिकाना हक बना रहे और आपको भविष्य में किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला महत्वपूर्ण दस्तावेज जो कि आपको प्रॉपर्टी खरीदने के बाद तुरंत करना चाहिए वो है रजिस्ट्री, यानी उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा के, सेल डीड के माध्यम से रजिस्ट्री करा के उसे अपने नाम करवाना। दोस्तों, इसके लिए आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना पड़ता है और वहाँ पर सेलर तथा बायर दोनों को उपस्थित होकर गवाहों के साथ उस सेल डीड को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाता है, यानी सेलर से उसका मालिकाना हक बायर के पास चला जाता है और जिसके बाद इसे रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्टर कर लिया जाता है और आपको इसकी एक कॉपी भी प्रोवाइड की जाती है, जिसके बाद आप उस प्रॉपर्टी की, यानी बायर उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। दोस्तों, ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि रजिस्ट्री ना करा के लोग उसको एग्रीमेंट के माध्यम से उस प्रॉपर्टी की डील कर देते हैं और रजिस्ट्री को बाद में कराए जाने की डेट उसमें एग्रीमेंट में मेंशन कर दी जाती है। दोस्तों, ऐसे में आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो डेट उस एग्रीमेंट में मेंशन है उस डेट को आपको रजिस्ट्री जरूर करानी चाहिए, और यदि उस डेट को आप रजिस्ट्री नहीं करा पाते हैं तो फर्दर उससे संबंधित एक और एग्रीमेंट बायर तथा सेलर की सहमति से जरूर बनना चाहिए और उसके आधार पर ही, उसमें तय किए गए दिन के आधार पर ही उसमें रजिस्ट्री को कंप्लीट करानी चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण दस्तावेज की। जब आपकी रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है, सेल डीड कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड को अपडेट करना पड़ता है। रेवेन्यू रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेज होते हैं जिसमें उस प्रॉपर्टी का वास्तविक करंट मालिक कौन है उसका पता चलता है। दोस्तों, कई जगह पर इसे जमाबंदी के नाम से जाना जाता है और जमाबंदी में एंटर होने के बाद में, अपडेट होने के बाद में, इसे इंतकाल यानी म्यूटेशन के माध्यम से उसमें मालिक का हस्तांतरण किया जाता है और म्यूटेशन से ही हमें पता चलता है कि इस प्रॉपर्टी का वास्तविक मालिक कौन है। दोस्तों, बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण दस्तावेज की। दोस्तों, तीसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज ये है कि जब भी आप किसी वैकेंट प्लॉट को खरीदते हैं या फिर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड प्लॉट को खरीदते हैं और उसमें कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी लोकल अथॉरिटी से उसका प्लान जरूर अप्रूव कराना चाहिए। दोस्तों, ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप प्लान को अप्रूव करवाते हैं तो उसमें जो भी बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्शन करेंगे वो सभी सेफ्टी मेजर को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है अथवा नहीं उसको चेक किया जाता है तथा उसको चेक करने के बाद ही आपको अप्रूवल दिया जाता है। दोस्तों, ये सेफ्टी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ऐसा यदि आपने नहीं किया तो एक तो आपको वैसे भी खतरा रहेगा, दूसरा जो लोकल अथॉरिटी है ऐसी कंस्ट्रक्शन को डेमोलिश कर देती है तथा उसे दोबारा से बनाने के लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप उसका प्लान जरूर अप्रूव कराएं, उसके बाद ही कोई फर्दर कंस्ट्रक्शन करें। दोस्तों, चौथा महत्वपूर्ण दस्तावेज है प्रॉपर्टी आईडी। दोस्तों, पहले जो म्यूटेशन होता था उसको मैनुअल किया जाता था, लेकिन अब जब भारत डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है तो ऐसे में प्रॉपर्टी को भी ऑनलाइन कर दिया गया है और लगभग हर जगह की प्रॉपर्टी को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है जिसे प्रॉपर्टी आईडी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको भी प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद यदि आपकी प्रॉपर्टी की आईडी पहले से जनरेट है तो उसमें ऑनरशिप को अपडेट करवाना है, यानी पहले उसमें नाम सेलर का रहा होगा और अब आपने जब इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया है तो उसमें मालिक आपको दिखाना चाहिए, तो ऐसे में आप अपने लोकल अथॉरिटी में जाके उसे अपडेट करवा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपकी प्रॉपर्टी की आईडी अभी तक जनरेट नहीं की गई है तो आप उसे जनरेट करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं तथा अपनी प्रॉपर्टी की आईडी जनरेट करवा सकते हैं, जो कि बेहद ज़रूरी है और भविष्य में आपको बेहद काम आने वाली है। दोस्तों, इससे आपको आपकी प्रॉपर्टी ऑनलाइन चेक करने में हेल्प मिलती है और उससे आपको यह भी पता चलेगा कि आपका कब्जा कितनी प्रॉपर्टी पर है और आपका जो कब्जा है वो सही है अथवा गलत। दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण कदम ये है कि आप अपनी प्रॉपर्टी का सेफ्टी पर्पज से इंश्योरेंस करा सकते हैं जिससे भविष्य में किसी नुकसान होने पर आप उसकी भरपाई करवा सकें। दोस्तों, अंतिम कदम आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आपने उसे नहीं अपनाया तो इससे पहले किए गए सारे आपके कदम बेकार हो जाएंगे। जी हाँ, अंतिम कदम आपका ये है कि आपने जितने भी दस्तावेजों को अभी तक तैयार किया है उसको संभाल कर जरूर रखें,
कि कभी कई बार क्या होता है कि हम डॉक्यूमेंट्स तैयार तो कर लेते हैं लेकिन उसे सेफ नहीं रख पाते, जिसकी वजह से ज़रूरत पड़ने पर हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, और उनके प्रति ना होने पर हम किसी मिसमैच की कंडीशन में अपना दावा भी नहीं कर पाते हैं। तो आप इन दस्तावेज़ों को संभाल कर रखें ताकि भविष्य में आप इसका उपयोग कर सकें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी और आप किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद ये महत्वपूर्ण कदम जरूर उठाएंगे ताकि आपको भविष्य में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो भी आपको यूजफुल लगी होगी। ऐसे ही और भी कानून से संबंधित लगातार जानकारी प्राप्त करने के लिए यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा साथ ही इसे औरों तक भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।